क्यूट है, क्यूट है, हॉट है, बोले जा रहे हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक के न्यू प्रैंक वीडियो। गाइस मैं हूं प्यारे देवांगन और आप देख रहे हो प्यारे के प्रैंक यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारी भाभी के साथ करने वाला हूं जेलस प्रैंक। जी हां गाइस, तो अभी कुछ दिन पहले तुम्हारी भाभी को मैं शॉपिंग कराने लेकर के गया था, तो उसकी एक फ्रेंड मिली थी, तो उसी का करते हैं चढ़ा बढ़ा के तारीफ और उसको जेलस फील कराते हैं। तो गाइस वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, अच्छा मौका मिला है जेलस प्रैंक करने का। A few moments later. आज क्या चीज का छुट्टी है आपका? अरे आ गई तू, बैठो। वैसे कुछ तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना था। आपको बोलो, दिखाइए ना इसको, कुछ देख रही हूँ, बोलिए आप। पता है क्या चीज की छुट्टी है आज हम लोग का? क्या चीज का? अरे बॉस की बीवी किसी और के साथ भाग गई। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। अरे अच्छा ठीक है ना, दो मैं देखती हूँ, कुछ चीज मेरे को देखना है, आप बोलो क्या बोलना है। अबे यार दिन भर तो। अच्छा एक बात बता, तेरे को भी एक दिन मैं शॉपिंग कराने लेके गया था याद है, 2-3 दिन पहले? तो जो तेरी फ्रेंड मिली थी ना, याद है? कौन सी फ्रेंड? अच्छा हाँ हाँ, क्या हो गया उसको? तो वो तेरी स्कूल फ्रेंड है या कॉलेज फ्रेंड? कॉलेज फ्रेंड। अरे वो बहुत क्यूट लग रही थी यार उस दिन। अब घूर के काय देख रही है, मतलब बस ऐसे ही बोला, क्यूट लग रही थी। अच्छा मैं तो कभी क्यूट नहीं लगती आपको। अरे तो पता है वो मतलब कि, अच्छा वो मैरिड है या अनमैरिड? इतना डिटेल्स क्यों पूछ रहे हो, क्या बात है? क्या बात रहेगा यार, बस ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ। अनमैरिड है, क्या करना है आपको? अच्छा फिर उससे कब मिलोगी? मेरी फ्रेंड है, मुझे जब मिलना होगा मैं मिलूंगी। आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो मतलब यार तेरी फ्रेंड मेरी फ्रेंड, आपकी फ्रेंड कब से बन गई भाई? अब तू मेरी वाइफ है, तुम्हारा सब कुछ मेरा, तो तुम्हारा फ्रेंड भी तो मेरी फ्रेंड हुई ना यार। अच्छा ऐसे थोड़ी ना होता है यार। ऐसे थोड़ी ना होता है वाला बात नहीं है। तो वैसे मिलना था यार तुम्हारी फ्रेंड से एक बार मुझे। क्यों, मिलके क्या करना है आपको? अबे यार बस ऐसे ही मिलना था, मतलब कि आपको क्यों मिलना है? मेरी फ्रेंड है, मैं बोलती कि मुझे मिलना है तो समझ में आता, आपको क्यों मिलना है? मतलब मिलके क्या करना है आपको? दोनों जाएंगे घूमने। नहीं तो आप इतना मतलब इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, इतना क्या हो गया? नहीं एक काम करते हैं ना, उसको बुलाओ एक आध दिन यार घर पर, खाने पे बुलाओ एक आध दिन। मेरी फ्रेंड है, मुझे जब बुलाना होगा मैं बुला लूंगी। तो जल्दी बुलाओ ना यार, आपको इतनी क्या हड़बड़ी मची है? हड़बड़ी मची है वाली बात नहीं है यार, मुझे पता है मुझे उससे एक बार मिलना है यार। मेरे को ना बहुत क्यूट लग रही थी उस दिन। क्यूट ही ना लग रही थी तो मैं क्या करूं? क्या करूं, जो करना है मेरे को करना है यार। क्या करना है आपको? मतलब कि कुछ बातें करना है उससे, उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूं ना। क्या जानना चाहते हो बता दो, मेरी फ्रेंड है मैं बताऊंगी आपको। मैं तो तुमसे क्या पता चलेगा यार, मैं देखो मैं थोड़ा सा। अच्छा इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, क्या बात है? अबे क्या बात हो गई? अरे तुम्हारी अच्छी फ्रेंड है यार, तो मेरी भी एक अच्छी फ्रेंड हुई ना, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। अरे पता है वो उसके फेस का स्माइल ना यार मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। पता है जब तुम लोग आइसक्रीम खा रहे थे ना स्माइल करके, तो मैं उसका अरे मतलब कि तुम्हारा स्माइल और उसका स्माइल सेम है, मैं ये बोल रहा था। इतनी तारीफ क्यों किया जा रहे हो उसकी, ये बता दो पहले। मेरी तो इतनी तारीफ कभी नहीं करते। अबे तो मैं तारीफ नहीं करूंगा तो क्या मेरा पड़ोसी तारीफ करेगा उसकी? अच्छा आप तो ठेका लिखा के बैठे हो ना दूसरों की तारीफ करने की। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अरे देखो मैं सब क्यों बोल रहा हूँ पता है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे पता है तेरे को? जब उस दिन मिले थे हम लोग तो
झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही। तो क्या है कि वो मिलने आई थी मेरे से? क्या? अरे सपने में, मतलब सपने में मेरे से मिलने आई थी, पता है? अच्छा। और पता है मतलब उसका एकदम हॉट ड्रेस बिकनी में, मतलब मिलने आई थी मेरे से, क्या ही होता सर में बेच खाए हो, ऐसा सपना देखने लगे? मतलब आपके दिमाग में कुछ खोट होगा तभी ऐसे सपने आ रहे हैं ना आपको? खोट क्या खोट रह गया, अब सपना आ गया तो मैं क्या करूँ? ऐसे ही किसी को सपने नहीं आ जाते, ठीक है? आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा तभी ना सपना आ रहा। तो क्या वो भी ऐसा सपना? तो क्या अभी मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि मैं, मतलब कि मेरे को, मैं करोड़पति हूँ, तो क्या मैं करोड़पति का सपना देखूंगा यार? अबे देख, मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। उस दिन सपना देखा था उसका, पता है? तो मेरे से, मतलब कि मेरे को पता नहीं कैसे ढूंढते ढूंढते आई। अच्छा। और मतलब कि बिकनी में आई थी यार, एकदम हॉट ड्रेस। तो साले मैं भी देख के पागल हो गया, साले मैं भी आँख फाड़ फाड़ के देखने लगा उसको। भाई इतना गुस्से से क्यों देख रही है यार, पहले बात तो सुन ले। तो पता है, यही सुनने के लिए तो बैठी हूँ। तो मैं यार जैसे उसको देखा, पता है यार क्या ही बताऊँ मैं। अबे यार इधर ध्यान दे और मेरी बातों को बस सुनो, मेरे को देख रही हूँ, आपको अच्छे से सुन रही हूँ। मेरे को बुलाई तो मैं चला गया यार, क्योंकि मैं सोचा अगर नहीं जाऊंगा तो उसको बुरा लगेगा। मैं चला गया उसके साथ, तो कुछ स्विमिंग पूल टाइप से था और वहाँ कैफे भी था उसी के अंदर में। तो कैफे के अंदर में हम लोग गए तो कॉफ़ी पी रहे थे साथ में बैठ के। इसके बाद मैं कॉफ़ी पी लिया और पता है जब आ रहा था वापस, तो मेरे को धकेल दी भाई स्विमिंग पूल में। मैं बोला अरे भाई ऐसे कैसे कर रहे हो करके, धकेल दी मेरे को स्विमिंग पूल में और कूद गई यार मेरे ऊपर। अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, आप इतनी गंदी सोच रखते हो। अब सपना था यार, सपने में ऐसा हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपके दिमाग में ऐसा कुछ रहा होगा तभी ना। बस सपना तो सपना होता है यार। हाँ और सुनाओ। अच्छा तो फिर पता है मेरे ऊपर कूद गई। अच्छा। तो मैं दूर चला गया था, तो मेरा कॉलर पकड़ के ऐसे खींच के कर, यार मैं साला पागल हो गया कि ऐसे कैसे कर रही है मेरे को। मैं तो सारा, मेरा दिमाग ही घूम गया। फिर पता है ऐसे मेरे को, मेरे यहाँ ऐसे पकड़ के ऐसे मेरे को किस करने के लिए कर रही थी। फिर मैं यार उसको ऐसे क्या बताऊँ मैं। मैं एक मन तो कर रहा था कि धकेल दूँ या फिर रहने दूँ। मैं पता है मैं सोचा रहने देता हूँ। क्या? जैसे ही मतलब लिप ऐसे, जैसे ही मतलब टच होने वाला था ना, तो पता है यार मच्छर काट दिया मेरे को और मेरा नींद खराब हो गया। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि वो मच्छर मैं ही थी, मच्छर मैं ही थी, मेरे डर से आपका नींद खुला होगा, समझे? अच्छा उसका फोन नंबर है क्या? अच्छा इस सपना को जो है वो सच करना है, फोन नंबर लेके? सच नहीं, मतलब ऐसे ही कुछ बातें करना है। नहीं, क्या बातें करोगे उससे? सपने जो भी है, सपने में तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली है ना। अबे यार इसको क्या ख्वाहिश पूरी करना बोलते हैं, अगर उस फेसबुक। अच्छा ठीक है, जो भी है सपना देखी, जो भी है, इतना उसके बारे में मतलब इतना डिटेल्स क्यों ले रहे हैं? अच्छा क्या बात हो गया, फेसबुक चलाती है? सर्च कर तो फेसबुक उसका। चलाती भी होगी तो मैं क्यों सर्च करूं? जो भी बात करना है मुझे कर लेना है, मैं कर लूंगी ना उनसे बात। तो तुमको जलन, आप ना इतना इंटरेस्ट मत दिखाओ, ठीक है? मेरा दिमाग ना खराब करो। अरे यार फिर तुम वही बात कर रही हो, तो क्यूट ही तो है यार तुम्हारी फ्रेंड। क्यूट है तो रहने दो ना। तो मैं कुछ थोड़े ना बोल रहा हूँ, मतलब दिन भर उसके तारीफों के पुल बांधते फिरोगे? क्यूट है तो रहने दो, भगवान ने सब कुछ ऐसे बनाकर भेजा है ना। तो मैं, मेरे को पता है यार, तो उसका मैं क्यूट नहीं हूँ। अरे हो क्यूट, लेकिन उससे थोड़ी सी कम क्यूट हो तुम। अच्छा तो जाओ शादी कर लो फिर, उसी से शादी किए होते, इतनी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हो तो इसलिए तो तुमसे पूछ रहा था यार कि क्या उसका मतलब कि वो मैरिड है या नहीं है, ऐसे करके इसलिए पूछ रहा था। क्यों,
दूसरी शादी करना है? अरे दूसरी शादी नहीं, दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, अगर हो सके तो एडजस्ट कर लेना आपस में, अगर मान जाए तो तुम्हारी क्या बोल रहे? फिर। इतना पिटाई खाओगे ना आज, मारने के मूड में नहीं हुए, ठीक है? पीटने का मन नहीं कर रहा है, आपकी बकवास सुन के ना मेरा सर दर्द हो रहा है। तो तुमको क्या दिक्कत है? मैं तो बस तुम्हारी फ्रेंड की तारीफ ही कर रहा था। क्या गलत कर दिया मैं? जलन हो रही है तुमको? तो हाँ, जल रही हूँ। तो जल रही है दिन भर उतना टाइम से बोल रही हूँ, मेरा दिमाग खराब ना करो। क्यूट है, क्यूट है, हॉट है, बोले जा रहे हो, बोल रही हूँ ना, समझ नहीं आता है बार में आपको। उतना टाइम से रट लगाए पड़े हो, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, कितनी देर से बोले जा रहे हो। चलो चलो, मना कर रही हूँ तो समझ नहीं आता है। अरे थी है, क्यूट सपना देख रहे हो। अरे वो क्यूट है ना, तो थोड़ा सा बोलना पड़ता है यार, तब तो क्यूट। वो सुन रही है? अरे उसकी वो जब नहीं सुन रही तो मेरे को सुना सुना के क्यों पका रहे हो? अरे तो उसकी फ्रेंड तुम हो यार, तो तुम तो सुनोगी ना, वो नहीं सुन रही। मैं सुन के क्या करूँ, झाड़ डालूँ यहाँ पे? अच्छा चलो, हो गया कोई नहीं।